मेरा नाम है करण ओबेरॉय। मेरी उम्र 28 साल। बहुत ही कम उम्र में मुझे बहुत सारे पैसे कमाने का शौक चढ़ गया था। मेरा बाप हमेशा मुझसे कहता था कि बेटा, मेहनत और ईमानदारी से कमाई जाने वाली रोजी रोटी की खुशबू अलग होती है। मगर मुझे इस खुशबू से क्या मतलब? मुझे तो मतलब था कम मेहनत से कमाई जाने वाले ढेर सारे बहुत सारे पैसों से। क्या आपने कभी 5 घंटों में 5 करोड़ रुपए कमाए हैं? मैंने कमाए हैं। कैसे? वो तो आप जल्दी ही जान जाएंगे। क्या बात है, आज तुम इतने अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं, जिसके पास 5 करोड़ हार्ड कैश हो और सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो अपसेट तो हो गई। 5 करोड़? हाँ, तो क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरे पास 5 करोड़ हार्ड कैश हैं? तुम क्या समझी कि मैं गांव जा रहा हूं? नहीं, मेरे पास सुबह से पूरे 5 करोड़ हार्ड कैश हैं और मुझे उसे आज रात 3 बजे से पहले किसी भी तरह विक्रम जी के यहाँ डिलीवर करना है। और ये सुल्तान भाई का ऑर्डर है। ये सुल्तान भाई सारे खतरे वाले काम तुम्हें क्यों करने को देते हैं? क्योंकि ऐसे कामों में सुल्तान भाई को सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ मुझी पर है, समझी? Are you sure, विक्रम? तुम्हें सचमुच ये सब करना है? What are you talking about? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, समझी क्या? वो
वो सुल्तान के लिए काम करता है। सुल्तान का आदमी? तो क्या हुआ? सुल्तान को पता चलेगा तो क्या हुआ? मैं भी तो सुल्तान के लिए काम करता हूँ। सुल्तान का फोन आएगा तो हम बता देंगे कि मुकद्दम यहाँ कभी आया नहीं। सिंपल। सुनो बोलो। सुनो, वो मर जाएगा। मरता है तो मर जाने दो, हमारे लिए 5 करोड़ तो छोड़कर जाएगा वो। लेट्स डू इट। उसको नहीं मारते तो 5 करोड़ कहां से आते? ये 5 करोड़ हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए है। ये 5 करोड़ मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए है, समझे? अब क्या? कुछ नहीं होगा, मैं इसको गाड़ने का इंतजाम करके आता हूं। अगर सुल्तान का फोन आए या किसी और का फोन आए तो उठाना मत। विक्रम, मुझे लगता है ये जिंदा है। अरे इम्पॉसिबल यार। नहीं, ये जिंदा है। मुकद्दम का कोई फोन आया क्या? नहीं, उसका कोई फोन नहीं आया। विक्रम, सुल्तान भाई से बात करो, कहीं उनको हम पर शक ना हो जाए, प्लीज। जी सुल्तान भाई।
क्यों मियां, फोन उठाने में इतनी देर क्यों? नहीं सुल्तान भाई, थोड़ी आंख लग गई थी। मुकादम पहुंच गया क्या? नहीं अभी तक नहीं पहुंचा। कमाल है, अब तक तो मुकादम को तुझे पैसा डिलीवर करके वापस लौटाना चाहिए था। मैं भी यही सोच रहा था, कहीं वो रेशमा के पास तो नहीं चला गया सुल्तान भाई। खैर छोड़ो, सुनिया कैसी है? ठीक है सुल्तान भाई। यार एक बात बताओ, तू सोनिया के साथ शादी कब कर रहा है? देखो मियां, जितनी जल्दी हो सके शादी कर डालो, ये तो सोनिया ही है जो तुम्हें झेल रही है। कहीं मैं उसकी जगह होता ना, कब तक तुम्हें ऊपर पहुंचा दिया होता। क्या सुल्तान भाई, आप भी मेरी लड़ रहे हो। अरे छोड़ो, जब मुकादम आ जाए तो मुझे कॉल करना, समझे? विक्रम का ये कहना है कि मुकादम अभी तक वहां नहीं पहुंचा है और वो तुम्हारे पास हो सकता है। तुम्हारा क्या कहना है रेशमा? सुल्तान भाई, मुकादम मेरे पास आया जरूर था, लेकिन वो 2 घंटे में वहां से चला गया। मेरे हिसाब से तो अब तक विक्रम भाई को पैसे देकर वापस आ जाना चाहिए था। रेशमा, कहीं तुम मुकादम को कोई अकल तो नहीं दे रही हो? सुल्तान भाई, मैं आपसे पंगा कैसे ले सकती हूँ, बल्कि मैं तो खुद ही डरी हुई हूँ मुकादम के लिए। क्यों भी राशिद, तुझे क्या लगता है? भाई मुझे लगता है बंदर गुलाटी मार रहा है भाई। गुलाटी मार गया बंदर तो ठीक है, अगर कल तक मुकादम का कोई खबर नहीं आया तो हम सब चलकर विक्रम के फार्म पर सोनिया के हाथ का बना हुआ खीर खाएंगे, ठीक है? हेलो। हाँ जान, मैं तो बस यहाँ रास्ते में ही हूँ। पता नहीं, मैं जब शहर से निकला था तब तो कोई बारिश नहीं थी। ओके। अरे स्वीटहार्ट, तुम्हें तो मालूम है ना कि मैं कितना स्लो ड्राइवर हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब से मैं कुछ 5-6 घंटों में तुम्हारे शहर में पहुँच ही जाऊँगा। I love you. Bye. See you, take care, huh? Well, 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 Karan. Fuck! अबे यार ये क्या हो गया गाड़ी को? अभी तो ठीक चल रही थी। Thank you.
इसका तो हॉर्स पाइप फट गया। अब इस सन्नाटेदार सड़क पर मैं मैकेनिक को कहां से लाऊं? हमेशा मेरे क्यों लगते हैं यार। सुनसान जगह पर फार्म हाउस, सारी की सारी लाइट्स ऑन है, जैसे कि कोई दिवाली हो। बिजली बचाओ भाई, जरूरत है। कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। घंटी बजा बेटा, घंटी। चल भाई, हे भगवान, प्लीज 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 किसी फरिश्ते से दरवाजा खुलवाना जो फौरन मेरी मदद करने को तैयार हो जाए। प्लीज 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 गॉड, प्लीज डोंट टेल मी कि इस घर में कोई नहीं है। थैंक गॉड, मैंने तो सोचा इस घर में शायद सिर्फ भूत ही रहते होंगे। मैडम मैडम प्लीज मुझे गलत नहीं समझिएगा, मैं एक बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। एक्चुअली मैडम, मेरी गाड़ी आपके घर के थोड़ी दूर में खराब हो गई है और मेरा फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा। रात भी बहुत हो गई और आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है। मैंने आपका घर देखा और मुझे लगा कि ये एक फरिश्ते का घर है, इसीलिए मैं यहाँ चला आया यही सोचकर कि शायद आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। देखिए मैडम, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। लगता है मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं स्मूच सॉरी आई मीन सचमुच एक शरीफ आदमी हूँ, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैं जानती हूँ कि आप एक निहायती शरीफ आदमी हैं, मिस्टर करण ओबेरॉय। ओ माय गॉड, यू आर किडिंग मी। सोनिया खन्ना नहीं, सोनिया शर्मा, मैं शादीशुदा हूँ। वाओ, आई रियली डोंट बिलीव दिस, लुक एट यू नाउ, आज पूरे 4 सालों के बाद मिल रहा हूँ मैं आपको। कॉलेज की ग्रेजुएशन के बाद से तो गायब ही हो गई थी आप। गायब नहीं हुई थी इसलिए कि तुम मुझसे जूनियर हो और मैं तुमसे 4 साल सीनियर। वो अंदर नहीं आओगे? कम ऑन इन, आओ ना, आओ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि जिस सीनियर लड़की के पीछे हम भागते थे, आज वो एक शादीशुदा औरत है। वाओ। अच्छा, तो तुम भी इसका मतलब उस लिस्ट में शामिल थे। अरे कौन नहीं था, बोलो। और बताओ तुम्हारी शादी कब हुई और कौन है वो खुशनसीब? बहुत हैंडसम दिखता है क्या? पहले तुम आराम से बैठ जाओ, फ्रेश अप हो लो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में विक्रम से मिलाती हूँ। अच्छा, वो तुम्हारा भाई कैसा है? कॉलेज में तो बहुत रोब था उसका। नाम मत लो उसका। 4 साल हो गए मेरी उससे बात नहीं हुई। पापा की डेथ के वक्त पापा ने मेरा हाथ विक्रम के हाथ में दे दिया था और मेरे भाई को बैंगलोर शिफ्ट कर दिया था। एनीवेज, पापा को भी विक्रम ही मिला था, हम भी तो थे लाइन में। फ्लर्टिंग श्लर्टिंग बंद करो। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि हाँ, तुम्हारी कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम था उसका? नेहा। हाँ नेहा, क्या हुआ उसका? बस कुछ नहीं, अगले महीने में उससे शादी कर रहा हूँ। अभी रास्ते में उसी से मिलने जा रहा था और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई बस, और फिर तुमसे मुलाकात हो गई। What a destiny, पुरानी यादें ताजा हो गई। हाँ जो होता है
अच्छे के लिए होता है। तुम आराम से बैठो, मैं विक्रम को ऊपर से बुलाती हूँ। क्यों विलेन को बुला रही हो यार? तुम बिल्कुल नहीं बदले। विकी, देखो घर में कौन आया है। घर में आया है? तुझे मना किया था ना इस घर में किसी को दाखिल मत होने देना। सुल्तान भाई कभी भी अपने आदमियों के साथ इस घर में आ सकते हैं, हमारी लगा सकते हैं। इतनी बात समझ नहीं आती तेरे? वो तुम और तुम्हारे गुंडे दोस्तों से कहीं ज्यादा बेहतर है। वो मेरे कॉलेज का पुराना फ्रेंड है और मुझसे कई साल छोटा भी। ओह गॉड, वो तो बस अचानक उसकी गाड़ी घर के बाहर खराब हो गई और वो घर के अंदर चलाया मदद मांगने के लिए, और मैंने उसको पहचान लिया और उसको एंटरटेन कर दिया बस। ओके चुप हो जाओ। और तुमने बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठाया। विक्की, डोंट टच मी। सोनिया, लिसन। तुम अपनी टेंशन अपने तक क्यों नहीं रख सकते विक्की? क्या मैंने कहा था ये सब कुछ तुम्हें करने के लिए? विक्की, मैंने कहा था। रिलैक्स। सोनिया, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि घर के पीछे लाश पड़ी हुई है और ये हमारा हार्ड कैश 5 करोड़ पड़ा हुआ है यहाँ पे। तुम्हें इस तरह से घर में किसी को आने देना नहीं चाहिए। वैसे हमारे सिंगापुर के टिकट भी तो आने वाले हैं सोनिया। I'm sorry, Sonia. प्लीज चलो मुस्कुराओ ना। प्लीज अब तो मुस्कुरा दो, छोड़ो ना। हा? चलो मिलते हैं उसके। हा? Karan, this is Vikram. Karan, this is my husband. Hello, sir. And I'm Karan Abroy. ये Karan है, मेरा पुराना कॉलेज का फ्रेंड। बैठो। Thanks. Karan, जल्दी से मुझे बताओ तुम क्या लोगे? चाय, कॉफी या ठंडा? सोनिया, अगर एक कप कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए। मूड तो मेरा भी है, चलो कॉफी पिला दो। अच्छा तुम लोग बैठ के गप्पे लड़ाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। तो करण तुम ही हो जो कॉलेज में सोनिया पे मरा करते थे? जी मैं क्या, पूरा कॉलेज ही सोनिया पर लाइन मारा करता था। सर मेरा यकीन कीजिए, पूरा कॉलेज सोनिया पर मरता था और आपकी सोनिया अपनी खूबसूरती से लोगों को मैनिपुलेट और ब्लैकमेल किया करती थी। अगर सोनिया को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होती तो उसके पास उसको पाने के लिए उसकी खूबसूरती का हथियार होता था। और तो और सर, आपकी सोनिया अपने एग्जाम्स के पेपर्स भी कॉलेज के प्रोफेसर्स को मैनिपुलेट करके लीक करवा देती थी। शी सिंपली रॉक द होल कैंपस। अच्छा छोड़िए, वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं एक स्टॉक एजेंट हूँ और सुल्तान कॉरपोरेशन के लिए काम करता हूँ। क्या हुआ? कॉफी। सोनिया, सुना तुमने आपके करण भी सुल्तान कॉरपोरेशन में काम करते हैं? अरे क्या हो गया आप लोगों को? मैं सुल्तान कॉरपोरेशन के लिए काम करता हूँ, अल कायदा के लिए नहीं। कैसा अजीब इत्तेफाक है, मैं भी सुल्तान कॉरपोरेशन में काम करता हूँ एज ए चीफ अकाउंटेंट। वाओ, लगता है मुझे मेरी जिंदगी के सारे बड़े झटके आज ही मिलने वाले हैं। What a coincidence यार। Excuse me. One minute. आओ सोनिया, come with me. क्या हो रहा है सोनिया? तुमने सुना उसने क्या कहा? मुझे एक बात बता, तुम भी सुल्तान कॉरपोरेशन के लिए काम करते हो और वो भी बावजूद इसके तुम दोनों आज तक
एक दूसरे से मिले नहीं? सोनिया सुल्तान भाई के लिए हजारों लोग काम करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन सब से मिलता रहूं। अच्छा सब छोड़ो, सोनिया मुझे लगता है कि सुल्तान भाई को हमारे ऊपर शक हो गया है, इसीलिए उन्होंने करण को हमारे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है। नहीं सोनिया, नहीं, इसको मैं कॉलेज के जमाने से जानती हूँ, ये बिल्कुल भोंदू है। खैर विक्रम, तुम वाकई नहीं जानते इसको? हो सकता है मैं गलत हूँ, आई डोंट नो, मगर सोनिया ये करण हम दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। प्लीज जितनी जल्दी हो सके इसको यहाँ से निकालो। प्लीज सोनिया ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी सिंगापुर की टिकट कभी भी डिलीवर हो सकती है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, किसी भी तरह से इसको बाहर निकाल के फेंको। आई एम अपस्टेयर्स। राशिद जी, ये विक्रम का फार्म हाउस कौन से इलाके में है? करना लोड हनुमान टेकरी के बाजू में। तू जानता है पुलिस इंचार्ज कौन है, नंबर है उसका? मैं जानता हूं उसे, उसका नाम है राम सिंह। राम सिंह, फोन नंबर है उसका? जी भाई। लगा नंबर, बात करवा राम सिंह से। बहुत आरामी है भाई। मैंने कुछ पूछा? एक बात बताओ कि तुम सुल्तान कॉर्पोरेशन में कब से काम कर रहे हो? एक्चुअली वो मैं कुछ यही कुछ दो सालों से। दो सालों से, बड़ी अजीब बात है कि तुम दो साल से सुल्तान कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हो और तुम उस कॉर्पोरेशन के चीफ अकाउंटेंट से नहीं मिले। हाँ, मेरा मतलब है मेरे पति विक्रम से, बस ऐसे ही। हाँ, I'll be back. नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम सीनियर इंस्पेक्टर राम सिंह है, क्या मैं विक्रम साहब से बात कर सकता हूँ? जी आप साहब इस वक्त? घबराइए नहीं, वैसे हर शरीफ इंसान को मिलने उसके घर पर खड़ा हो पुलिस वाला तो जाहिर है वो घबरा ही जाएगा, घबराइए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन आइए, कम इन, चलो चलो। एंड यू आर? जी मैं करण। ओ करण, डज दैट मीन करण जौहर? जी नहीं, करण अब्रॉय। जी आपको देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? आप लाइफ में कभी जेल गए हैं? जी नहीं, मेरा मतलब है मेरा वास्ता आमतौर पे मुजरिमों से पड़ता है, तो मैंने सोचा अगर आपको याद आए कि हम मिल चुके हैं तो हो सकता है आप मुजरिम हो और मैंने आपको पकड़ा हो। इट्स ओके, रिलैक्स करण, आई वाज जस्ट जोकिंग। मिस्टर विक्रम? यस ऑफिसर, आई एम विक्रम। ओके, आई एम राम सिंह, सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ एरिया का। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। तो बस यही था कि मेरी दो दिन हुए यहाँ पोस्टिंग हुए, तो मैं घर घर जा रहा हूँ अपना परिचय कराने। यस सर। तो मिस्टर विक्रम आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि यहाँ पर कितने ऊंचे लोगों के बड़े बड़े फार्म हाउस हैं और चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो प्लीज इफ यू डोंट माइंड, ओके? ये मेरा कार्ड है, रख लीजिए। ओके
थैंक यू ऑफिसर। ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं नहीं टेक केयर। ओके कॉफी या चाय? अरे नहीं ठीक है, कहीं अगर खाना खाना होगा तो आप ही क्या खाऊंगा, आप लगे रहिए। एनी टाइम। थैंक यू, गुड लक। एनी टाइम। मिस्टर करण, तुम्हारी तस्वीर मेरे ऑफिस की दीवार पर टंगी हुई है। सिंह इसको जीप में डालो। मजाक कर रहा था। सी यू गाइज, हैव ए नाइस इवनिंग। चलो बड़ा अजीब ऑफिसर था। तुमने अभी तक विक्रम को मारा भी नहीं और तुम डर रहे हो। डर जिस काम के लिए आए उसे जल्दी से मुकम्मल करो। सुल्तान भाई के प्लान के मुताबिक अकाउंटेंट मुकादम यहाँ पे पैसे छोड़कर जाएगा और विक्रम और मुझे वो पैसे लेकर जलंधर कमलेश भाई के घर पहुंचाने थे, क्योंकि गाड़ी में अगर कोई देखता मुझे और विक्रम को हस्बैंड और वाइफ समझकर शक नहीं करता और काम आसानी से हो जाता। मगर अब कहानी कुछ और है, प्लान कुछ और है। ये पैसे लेकर हम दोनों यहां से निकल जाएंगे। ये प्लान हम दोनों के लिए काफी अच्छा है अगर तुम मेरे साथ हो तो। तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। मैं ऊपर जा रही हूं। विक्रम वॉशरूम में है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आएगा मैं उसे सेड्यूस करूंगी और जब हम बिस्तर पे होंगे तुम पीछे से आके उसके सर पे वार कर देना। मैं बेडरूम का दरवाजा लॉक नहीं करूंगी। सोफे के पीछे बैट पड़ा हुआ है। मैं चाहती तो तुमसे गन मंगवा सकती थी लेकिन नहीं, गन से आवाज बहुत आती। बैट का आइडिया ज्यादा अच्छा है। और हाँ प्लीज करण, पूरी ताकत से वार करना, निशाना चूक ना जाए। देखो करण, हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। इसके बाद मैं और तुम कहीं दूर चले जाएंगे। तकदीर का खेल देखिए, मैं भी सुल्तान कॉरपोरेशन में काम करता हूँ और विक्रम भी। सोनिया मेरी कॉलेज की सीनियर थी और मेरी फ्रेंड थी। एक दिन सोनिया सुल्तान भाई से मिलने उनके ऑफिस आई। विक्रम अमेरिका में था। किस्मत से मेरी मुलाकात सोनिया से सुल्तान भाई के ऑफिस में पूरे 4 सालों बाद हुई। फिर क्या था, हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और हमारे प्यार की शुरुआत हुई। और फिर शुरुआत हुई एक खतरनाक प्लान की। और बेचारे विक्रम को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। वो अब तक तो यही सोच रहा था कि वो और सोनिया मुकादम को मारकर 5 करोड़ लेकर सिंगापुर भाग जाएंगे। So, और मुझे इस आदमी के चुंगल से बचाओ प्लीज।
को मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर पार्क करना और गाड़ी से उतरते ही गाड़ी का हॉस पाइप निकाल देना ताकि 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 मैकेनिक को पता ना चले और उसे लगे कि हॉस पाइप सचमुच खराब है। Got it. Good luck. क्या बात है, बड़ी अजीब नजरों से देख रही हो। आई नो, हमारी शादी होने वाली है तो क्या मैं अपने होने वाले हस्बैंड को प्यार नहीं कर सकती? मुझे कौन, सोनिया प्लीज, मुझे कौन देगा? प्लीज स्टॉप इट सोनिया, प्लीज 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 सोनिया, ऐसा मत करो। तुम ही तो दोगे। अरे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता सोनिया, प्लीज डोंट डू दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज सोनिया। सोनिया सोनिया प्लीज, आई एम टेलिंग यू, कम ऑन लेट्स गो टू बेड।
प्लीज रुक जाओ, तुम्हारा दोस्त नीचे बैठा है। अगर उसने तुम्हें साथ में देख लिया तो आई लव यू, आई लव यू टू डैड। रैम्बो समझता है कि तेरे एक ही वार से ये मर जाएगा? कहा ना एक और मार। दे दे, दे ना। अब देख 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 कैसे मारते हैं, दिखा। ये मैंने तुम्हारे और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए किया है। करण, 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 कैबिनेट खोलो, कैबिनेट में से पैसों का बैग निकालो और नीचे नीचे लाउंज में लेके जाओ। खोलो कैबिनेट। Why did you do this, Sonia?
शंकर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा आदि विक्रम बजरंगी कुंती निवारे सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल। क्या आपने कभी 5 घंटों में 5 करोड़ रुपए कमाए हैं? मैंने कमाए हैं। विक्रम, यहीं से मेरी जिंदगी के वो 5 घंटे शुरू होते हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। कहते हैं कि शैतान की सबसे बड़ी चालबाजी यही है कि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इन्हीं 5 घंटों में मैंने शैतान को रूबरू देखा था। किसी ने ठीक ही कहा है कि लालच, पैसा, नशा, धोखा, कत्ल और औरत, ये तमाम चीज़ें जिंदगी को हसीन और खूबसूरत बना देती हैं। उस रात विक्रम को मार डालने के बाद मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी एक नया यू टर्न लेने वाली है। कितने अच्छे लगते हैं ये पैसे। किसी ने सच ही कहा है, पैसा, औरत, अय्याशी और धोखा, ये सारी चीजें मिलकर जिंदगी को कितना 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 हसीन बना देती हैं। क्या आ, पहली दफा कर रहे हो? आज क्या हो गया तुम्हें, कहीं पागल तो नहीं हो गई हो तुम? Got it.
सोनिया, विक्रम की आंखें खुली हैं। देखने दो उसको, उसको भी मालूम होने दो। प्लीज लव मी, प्लीज लव मी, लव मी। तुम वाकई बच्चे हो मेरे छोटे से लवर। गुड इवनिंग मैडम, क्या मैं विक्रम जी से मिल सकता हूँ? माई सेल्फ एसपी फ्रॉम मैट्सन टूर एंड ट्रेवल।
विक्रम जी ने सिंगापुर के लिए दो टिकट बुक करवाई थी, वही डिलीवर करने आया हूँ मैं। ओह, तो आप अब आए हैं। बहुत ही घटिया सर्विस है आपकी, सुबह से आपका इंतजार हो रहा है। आई अंडरस्टैंड मैडम, और इस बात के लिए मैं बेशर्मिंदा हूँ, मगर क्या करूँ मैडम, आपका घर शहर से इतनी दूर है कि पहुँचने में ये टाइम लग गया है। ठीक है, आप टिकट्स दीजिए। मैडम साइन। मैडम आपके नहीं, विक्रम जी के। विक्रम जी के साइन। वन मिनट। मैडम हाँ, क्या मैं विक्रम जी से मिल सकता हूँ? क्यों आप विक्रम से क्यों मिलना चाहते हैं? जस्ट टू मेक श्योर दैट आई रीच द राइट प्लेस। श्योर। क्या हुआ, कौन था? ट्रैवल एजेंट है, सिंगापुर के टिकट्स लाया है, विक्रम से मिलना चाहता है। मैथसन टूर्स एंड ट्रैवल से? हाँ। सिंगापुर के टिकट्स लेके? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो विक्रम से मिलना चाहता है। ओह नो। मैं विक्रम बनकर उससे मिलने जाऊंगा। Are you sure? 100%. जी बताइए। क्या बताऊं? आप मुझसे मिलना चाहते थे? मुझे क्यों मिलना था आपसे? आप ठीक तो हैं? मैं ही हूँ विक्रम शर्मा। आप ठीक हैं? विक्रम जी को मैं पर्सनली जानता हूँ, कई बार हमारे से टिकट बुक करा चुके हैं। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। आई एम नॉट विक्रम। मैं जरा भी विक्रम को बुला के लाता हूं। क्या हुआ? वो विक्रम को पर्सनली जानता है, उसने विक्रम को देखा है। अब हम उसे विक्रम से कैसे मिलवाएंगे? हमें विक्रम को जिंदा करना पड़ेगा। सॉरी okay, आपको okay. इतनी देर हो गई है। एक्चुअली क्या है कि आज से मेरे पति विक्रम ने देवी माँ के लिए मौन व्रत रखा है। आपको तो पता ही है कि वो कितने पूजा पाठ में कितना बिलीव करते हैं, और वो वैसे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। ओके तो वो आज के दिन वैसे भी किसी से बात नहीं करेंगे, तो आप जिद कर रहे हैं उनसे मिलने की, तो मैं अभी मिलवा देती हूँ। ओके लेकिन हाँ, ज्यादा बात नहीं कर सकते, बिल्कुल बात नहीं कर सकते। आइए ना। कोई बात नहीं, चलिए। आप वो देवी माँ का जाप कर रहे हैं जी? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप विक्रम जी से बात करना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी बात का आपको जवाब नहीं देंगे, तो बात कीजिए ना, कीजिए ना। आप कहें तो एक बार जाके मैं उनको हेलो कर देता हूं। कीजिए। अगर इसने कोई प्रॉब्लम किया तो इसको भी यही मार देंगे। नमस्कार विक्रम जी, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके ध्यान को भंग कर रहा हूँ। आपके कहे मुताबिक मैंने सिंगापुर की दो टिकट जो हैं आपके घर डिलीवर कर दी हैं। जैसे ही आपका ध्यान पूरा हो जाए,
तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वो टिकट्स ओ मिस्टर सिंह प्लीज आप चेक कर लें। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा आप ये बताइए कि आप क्या लेंगे, चाय टी कॉफी या कुछ और, बताइए ना, फील एट होम। थैंक यू मैडम, अब मुझे चलना चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या तरीका हुआ? वो दूर से विक्रम को देखकर चले जाना चाह रहा था और तुम हो कि तुमने उसको विक्रम के पास भेज दिया। ये क्या खेल खेल रही हो सोनिया? What are you up to? Have you gone insane? सोनिया, इस घर में 5 करोड़ रुपए हार्ड कैश है और साथ में 2 लाशें। एक लाश पीछे गार्डन में दफन है और दूसरी मारी आंखों के सामने। We have to get rid of this massacre as soon as possible. समझ गई तुम? क्या हुआ? ऐसे पत्थर बन के क्यों खड़ी हो? पागलों की तरह हंस भी रही हो? मैं क्या कुछ गलत बोल रहा हूं तुम्हें? For God's sake, सोनिया कुछ बोलो। विक्रम की तरह तुमने भी मुझ पर हाथ उठाया, विक्रम की तरह तुमने मुझे विक्रम की तरह थप्पड़ मारा, इतनी जोर से। दोबारा नमस्कार। नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैं आपको फिर से तकलीफ देने के लिए हाजिर हो गया हूं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं अपना रूटीन राउंड अप कर रहा था तो मैंने देखा कि आपके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, सुबह से खड़ी है, शायद वो मिस्टर विक्रम की है क्या? नहीं सर, वो मेरी गाड़ी है, खराब है, शायद उसका होस पाइप फट गया है। अच्छा, आप क्या यहीं पे रहते हैं? जी नहीं सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ। किसी काम के सिलसिले में जालंधर जा रहा था, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और इत्तेफाक से इनके घर के पास आ रुकी। मैंने हेल्प की उम्मीद में इनका दरवाज़ा खटखटाया और किस्मत देखिए, यह घर सोनिया का निकला, जो मेरी कॉलेज की बहुत पुरानी दोस्त भी है। हाउ नाइस, हाउ नाइस। विक्रम जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? विक्रम वो एक्चुअली वो शहर गया अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए। कल सुबह तक आ जाएंगे। आई सी, लेकिन गाड़ी तो उनकी यहीं पर खड़ी है। वो एक्चुअली क्या है कि वो
अपने किसी दोस्त के साथ गए हैं। दोस्त के साथ गए हैं। ओके, कमाल है। That's very nice. बड़ी अच्छी किस्मत है आपकी मिस्टर करण। विक्रम जी जो नहीं है यहाँ पर। चलिए आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन कर लेते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या खराबी है उसमें। मैं भी कभी कभार मैकेनिक होता हूँ। आइए, हो सकता है मैं ही ठीक कर दूँ। आइए आइए, चलिए। आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मिस्टर करण, आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आपने किसी का खून किया है। ओपन द बोनट। स्टाइल तो देखो। अबे चूतिया, अंदर बैठ। स्टार्ट द कार। स्टार्ट हो गई। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। ये तो स्टार्ट हो गई। क्योंकि ये गाड़ी खराब थी ही नहीं, इसका कोई हाउस पाइप फटा नहीं था, इसका पेट्रोल पाइप निकल गया था। एनीवे, मैंने तो समझा इसका हाउस पाइप फट गया। आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर करण, मैं जब आपकी गाड़ी को इंस्पेक्ट कर रहा था तो मैंने देखा कि उसका पेट्रोल पाइप अच्छा खासा हार्ड है। इसका मतलब यह है कि वो पाइप निकला नहीं था बल्कि निकाला गया था। ओ, पता नहीं, मगर मेरा वक्त तो जाया हुआ ना। थैंक्स एनीवेज ऑफिसर। ओके, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा। लगता है उस पुलिस वाले को हम पर शक हो गया है। क्या बात है जनाब, बड़ी गहरी सोच में हो। पता नहीं राजवीर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में या तो कोई कांड हो चुका है या होने जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके पैसे लो, टिकट्स लो और निकलो यहाँ से। क्या लगा है तुमने? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो खोपड़ी पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, सीधा अंदर चलते हैं। पहले इस लाश को हमें किसी तरह ठिकाने लगाना होगा। जल्दी, कम ऑन। हेलो, माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ गड़बड़ है। पूरे घर की तलाशी लो। लेकिन ये आप अपने आप को क्या समझते हैं? पुलिस ऑफिसर होने का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप किसी के घर में घुसकर इस तरह तलाशी लें। हेलो ऑफिसर, तलाशी? किस बात की तलाशी, काहे की तलाशी? मैं भी कानून जानता हूँ, कोई वारंट है आपके पास? ए, चुप रहे कानून की आंख, बस बहुत हो गया, तुझसे तो हम बाद में नहीं बदलेंगे। अभी जरा यहाँ का मालूम कर ले कि यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। जहां तक आपका सवाल है मैडम, हम पुलिस वाले कहीं भी जाएं, कभी भी जाएं, आप बीच में नहीं आ सकती, समझी? ऑफिसर साहब, ये शरीफ लोगों का घर है, क्रिमिनल्स का नहीं। ओ, शरीफ लोगों का घर है या बदमाशों का, ये तो छानबीन के बाद मालूम होगा। हाँ हाँ, चलो कर लीजिए। बकवास करते हैं। ए, मुझे अपना काम करने दे, समझा?
चलो बालको, गो टू इनसाइड एंड चेक देयर यू ऑन द राइट, फिर ऊपर देखेंगे। सर यहाँ बैग है, उसे खोल के देखो क्या है उसमें। सर इसमें तो पैसे पड़े हैं। सर यहाँ तो लाश पड़ी है। लाश? ओह माय गॉड, ये तो विक्रम की लाश है। शिट, ये तो विक्रम जी की लाश है। आप लोगों ने उसको मार दिया? क्यों? ओ, अब मैं समझा। उनको मार के ये पैसे लूट कर फरार होने के चक्कर में थे, राइट? हा? वो तो मैं ऐन वक्त पे आ गया, वरना आप तो रफू चक्कर हो जाते। आई डोंट बिलीव दिस। यू प्लान दिस? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है ये आदमी खूनी है। इसने मेरे पति विक्रम सिंह का खून किया है। ओए, और इसने मुझे डराया धमकाया। क्या अगर मैंने अपनी जुबान खोली? साबित सर देखिए, सर ये आदमी मुझे मार डालेगा। इसने मेरे पति विक्रम का खून किया, इसने मुझे डराया। क्या अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो ये मुझे मार डालेगा। पागल हो गई है क्या? ये मेरे पति का दोस्त था और ये मुझे मार कर और पैसे लेकर यहाँ से भाग जाना चाहता था। इतने में आप आ गए। सर ये झूठी है। सर ये झूठ बोल रही है। सर ये झूठ बोल रही है। बिल्कुल भी नहीं झूठ। सर ये झूठ बोल रही है। सर ये बहुत बड़ी धोखेबाज है। सर मैंने तो इसके पति को सिर्फ एक ही बार मारा था, मगर इस साली चिनाल ने अपने पति को मेरी आंखों के सामने बार बार मरने के बाद भी मारा था। सर सर एक औरत नहीं, ये एक बहुत बड़ी चुड़ैल है। सर शी इज अ ब्लडी साइको विच। बस करो ए। सर मेरा यकीन कीजिए। देख मेरे सामने विक्रम जी की लाश है और तुम दोनों इस लाश के पास हो, समझे? जो कुछ कहना है कोर्ट में आके कहना। आई एम गोइंग टू अरेस्ट यू राइट नाउ। इस रोमियो को उठा के ले जाओ। नहीं सर, नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूँ मेरी गलतियाँ थी, मगर उन सब गलतियों की प्लानर, मास्टर प्लानर यही साली चिन्नाल थी। यही साली चिन्नाल ने अपने पति को मारा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें मेरे मास्टर प्लान में शामिल होने का। खबरदार, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ले जाओ इसे। छोड़ो। रोमियो बनने चला था। बड़ी आई अपने आप को जस्टिफाई करने वाली। तेरे लिए तो लेडी कांस्टेबल को बुलाना पड़ेगा, समझी? ये क्या? अबे तू भाई है या कसाई? कसाई है, कसाई। वो तुम्हारा भाई कैसा है? कॉलेज में तो बहुत रोप था उसका। आपको देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? इतनी जोर से थप्पड़ मारते हैं? अब क्या करता बहन, मुझे ये भी तो दिखाना था कि मैं असली पुलिस वाला हूँ। खैर ये बातें छोड़ो, ये बताओ प्लान क्या है? सबसे पहले विक्रम की लाश को कहीं ठिकाने लगाना होगा। तू मुझे ये बता, तेरे आदमी करण के साथ क्या करने वाले हैं? पूजा करेंगे उसकी। अरे बहना, मैंने अपने आदमियों को 20,000 रुपए दिए हैं उसको ठिकाने लगाने के लिए। उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो तुम। मगर तुम ये बताओ कि उसकी गाड़ी का क्या करें? उसकी गाड़ी को यहीं पड़े रहने दो। सुल्तान भाई किसी भी वक्त यहां पे आता होगा। वो करण की गाड़ी को पहचानता है। वो यही समझेगा कि विक्रम और करण ने मिलकर प्लानिंग की और पैसे लेकर भाग गए। क्या बात है, क्या बात है। लोमड़ी की खोपड़ी है तेरी, शाबाश। अच्छा ये बताओ कि इस बैग के पैसे का क्या करें? पैसे हमें फिलहाल यहाँ पे छोड़ के जाने पड़ेंगे। ऐसा करते हैं, पैसों वाला बैग फ्रिज के पीछे छुपा देते हैं। सबसे पहले विक्रम की लाश को ठिकाने लगाते हैं। गाड़ी की डिक्की में विक्रम की लाश डालकर उसे ठिकाने लगाते हैं। सीधा शहर, शहर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से सीधा सिंगापुर।
विक्रम। बड़ी मुश्किल से मरा है। अच्छा, वैसे लगता है कुछ बॉडी बिल्डर के टाइप का। चलो संभाल के। रुपया तुम्हारे साथ बांटने वाली हूं? मैं तो तेरा भाई हूं सोनिया। सका नहीं, सौतेला। मैं अभी भी कह रहा हूं भाई, अगर तुम लोग मुझे छोड़ दो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आखिर क्या मिल जाएगा तुम लोगों को मुझे मारकर? सिर्फ 20,000 रुपए एक आदमी को? अगर तुम लोग मुझे छोड़ दो तो मैं तुम लोगों को 1,00,000 दूंगा, चारों के चारों को, पूरे 4,00,000 रुपए। सोचो मत मेरे भाई, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो मैं यहां से भाग कर जाऊंगा और उन दोनों से बदला लूंगा? नहीं मेरे भाई, अगर तुम लोग मेरी बात मान लेते हो और मुझे छोड़ देते हो तो मैं यहां से जाऊंगा और तुम लोगों को 1,00,000 रुपए देकर यहां से गायब हो जाऊंगा। गायब? बैग कितने हैं? मेरी गाड़ी में है। हमें दोबारा से वहीं चलना होगा जहां से हम आए थे। मैंने 5,00,000 रुपए पहले से ही बैंक से निकालकर रख लिए थे। क्या पता था कि वो पैसे ऐसे काम आएंगे। चलें। मुझे एक दिन एक SMS आया था, उसमें लिखा था कि खुदा को अगर हंसाना हो तो उसे अपने फ्यूचर प्लान्स बता दो। खुदा जोर जोर से हंसता है। इस SMS का मतलब मुझे आज समझ में आया कि ये 5,00,000,000 रुपए मेरी ही किस्मत में लिखे थे। चाहे कोई कितने भी प्लान्स बना ले, लेकिन असली प्लान वही चलता है जो खुदा ने बनाया है हम सब के लिए।
सोनिया, अब जरा मुझे बताओगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये मेरे पीठ पीछे ये सब क्या चल रहा है? तुम क्या समझ रही थी कि मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता? बोलो। देखो सोनिया, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं और हमेशा से तुम्हें पसंद भी बहुत करता हूं, इसलिए मेहरबानी करके इस इज्जत और पसंद को नफरत में बदलने के लिए मुझे मजबूर मत करो, और इसी वक्त जितनी जल्दी हो सके सब कुछ बोल दो। ये क्या बोलेगी सुल्तान भाई, ये तो खुद भी मुझे मिली हुई लगती है। hey, तुम्हारी तरह बियर बार से नहीं आई है, समझी? अगर मैं बात कर रहा हूं तुम बीच में कभी मत बोलो। हां सोनिया, अब तुम कुछ बोलोगी या मुझे बुलवाना पड़ेगा? सुल्तान भाई, आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं भी आपकी दिलो जान से इज्जत करती हूं। मुकादम यहां पे पैसे लेके आया था, मेरे और विक्रम के अलावा एक और शख्स भी यहां पर था जो आपकी कंपनी में काम करता था, करण ओब्रॉय और विक्रम छुपे हुए पुराने दोस्त थे। दोनों की पैसे देखकर पैसों के ऊपर नियत खराब हो गई और उन दोनों ने प्लान किया कि वो पैसे लेकर यहां से भाग जाएंगे। उन्होंने मुकादम को मार डाला। जब मैंने उन दोनों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। फिर करण ने विक्रम को गन पॉइंट पर लिया और उसे यहां से लेकर चला गया। मैंने अपने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया, अपनी कार में दोनों को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मेरी पहुंच से बहुत दूर तक जा चुके थे सुल्तान भाई। मैं कुछ नहीं कर पाई और फिर वापस आ गई। बस सोनिया, अगर तेरी बात आगे जाके कहीं गलत निकली तो तुम इतना याद रखना कि मुझसे बुरा तुम्हें इस दुनिया में और कोई दिखाई नहीं देगा।
राशिद, संभाल इसे। मुझे पहले से ही मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन साला इतना कुछ गड़बड़ होने वाला है ये मुझे मालूम नहीं था। अब क्या करूं तुम्हारे साथ? सोनिया, मैं सिचुएशन को समझ सकता हूं, लेकिन और विक्रम अगर करण से बच भी गया तो मैं मार डालूंगा उसको। तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूं और मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। रिलैक्स, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैंने तो विक्रम से पहले ही कहा था, ए विक्रम सुनो, सोनिया तो ना तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है, लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ, मैं चलता हूं। अरे सोनिया, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, तुम मेरे 5 करोड़ रुपयों की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, क्योंकि वो मेरी लीगल कमाई है, इनलीगल नहीं। उन रुपयों का हर एक नोट जो है ना, उसका नंबर सीआईडी के पास रजिस्टर्ड है। और अगर किसी ने उन रुपयों में से 1 रुपया भी खर्चा करने की कोशिश की ना, तो वो पकड़ा जाएगा, सीधा अंदर जाएगा। सुल्तान भाई की बात सुनकर तो सोनिया जैसे पागल ही हो गई थी। उसे लगने लगा था कि जिन पैसों के लिए उसने ये सब कुछ किया, अपने पति को मारा, अपने भाई को मारा, मुकादम को मारा, वो पैसे किसी के काम के नहीं है। और सुल्तान भाई की बात भी बिल्कुल ठीक ही निकली। मैंने उन पैसों में से कुछ पैसे एयरपोर्ट पर सिंगापुर की टिकट खरीदने के लिए निकाले और मैं वहीं पकड़ा गया। उसके बाद तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने आपको इन्फॉर्म किया और वहीं पे बुला लिया। अबे गधे, तुझे क्या लगता है कि सुल्तान कॉरपोरेशन के मालिक सुल्तान भाई को चूना लगाना इतना आसान है क्या? पुलिस को तूने बच्चा समझ के रखा है क्या? मिनिस्ट्री लेवल से तेरा केस मेरे पास आया है। सर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ बॉस कि तेरे बहुत बुरे लगने वाले हैं। तुझे क्या लगता है सोनिया ने विक्रम को मार डाला, अपने सोतेले भाई को मारकर पागल होकर पागलखाने में चली गई तो कहानी खत्म हो गई? कहानी शुरू हुई है बॉस। तिवारी, इस चिकने को अंदर डाल। सुनो,
कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? अगर तुम मुझे उस गंदगी से नहीं निकालते तो मेरा क्या होता? सोच कर भी डर लगता है। रेशमा, तुम्हारी तकदीर में उस गंदगी से निकलना लिखा था, तुम निकल गई। मैं तो सिर्फ एक जरिया बना। कल तुम क्या थी उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मगर आज तुम मेरे साथ हो। तो ये सब कुछ भूल कर नहीं जाती रेशमा? सुल्तान भाई ने कहा तो था तुझसे 2 करोड़ रुपए ले ले और जाके नई जिंदगी शुरू कर। मुकादम तो अल्लाह के पास चला गया, और जो एक बार अल्लाह के पास चला जाता है वो वापस तो नहीं आ सकता ना। और जिन लोगों ने मुकादम को अल्लाह के पास भेजा उनका क्या? उनका क्या? उनका क्या से क्या मतलब? अल्लाह ने उनको सजा दी ना। विक्रम को सोनिया ने मार दिया, सोनिया पागल होके पागलखाने चली गई, और वो लौंडा जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। राशिद, क्या आप ये जानते हैं कि मैं बियर बार में नाचती थी? मुझे रांड, रंडी और छिनाल जैसे नामों से बुलाया जाता था। मुकादम ने मुझे उस दलदल से बाहर निकाला, उस गंदगी से बाहर निकाला, पाक और पवित्र किया, मान और सम्मान की जिंदगी दी। लुट गई मेरी वो दुनिया, लुट गई। एक बात बताइए राशिद, अगर आपकी कोई दुनिया लूट ले तो आप क्या करेंगे? ये मत भूल रेशमा, तेरे पेट में मुकादम का बच्चा है। और अगर पकड़ी गई तो मर जाऊंगी, लेकिन इस जुबान पे सुल्तान भाई का नाम कभी नहीं आएगा। सुल्तान भाई का नाम इस जुबान पे सिर्फ दुआओं के लिए आएगा। रेशमा, ये काम करने से पहले एक बार अपने आप को आईने में जरूर देख लेना। अगर तेरा दिल ये कहे कि तू ये कर सकती है तभी करना। कहती है कितने मौसम गुजरे हैं हम याद में तेरी तड़पे हैं, चांदनियां कहती है आते जाते कहती है।
गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन। जनाब SHO साहब का ऑफिस कितने हैगा? SHO साहब ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। कौन है तुम? पागल हो क्या? क्या मजाक है ये? ए, कौन है तुम? ये क्या मजाक है? हाँ? अबे रुक! ए, ये गन किस लिए? हाँ? मैंने क्या बिगाड़ा है? हाँ? कौन है तुम? ए, डोंट शूट मी। हाँ? इंस्पेक्टर, हवलदार, इंस्पेक्टर! अरे बवाल हो गया यार, इन्हें गोली मार दी। वो करण जो छोरा था ना उसे। क्या मैडम हिंदी फिल्में आप बहुत देखती हैं? खून भरी मांग। तुम्हें पता है तुम्हारा क्या अंजाम होने वाला है? मिनिस्टर साहब आकर आपके गले में फूलों की माला पहनाएंगे। इतना बड़ा काम जो कर दिया है कानून को अपने हाथ में लेकर। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट रूम। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रेशमा सलाहुद्दीन उम्र 26 साल दोषी है। लेकिन पुलिस अधिकारियों और वकीलों की बहस को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये भी मानती है कि रेशमा सलाहुद्दीन की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो गर्भवती है, इसलिए रेशमा सलाहुद्दीन को इलाज की जरूरत है। लिहाजा अदालत ये हुक्म जारी करती है कि रेशमा सलाहुद्दीन को पागल खाने में दाखिल किया जाए और उनका पूरा पूरा इलाज करवाया जाए। जैसे ही रेशमा सलाहुद्दीन ठीक हो जाती है इस केस को रिओपन किया जाए और केस की कार्यवाही दोबारा शुरू की जाए।
साया तेरा जो मुझको अब यूं नजर आए, बीते पलों की यादें मुझे यूं तड़पाए, आंखों के अश्कों में दिल डूब मेरा जाए, महरूमियों के आलम में जाना कितना दीवानगी की हद तक मैंने किया था उतना, यादों में तेरी अब तक जलता रहा हूँ मैं, अब दर्द भरी ये जिंदगी मेरी हसरतें भी तुझ में